नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता ही है कि आप सबके सहयोग से जो वृद्ध आश्रम बनवाया जा रहा है सेल्फ अवेकनिंग मिशन के द्वारा ग्रेटर फरीदाबाद में, उसका मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। उसका उद्घाटन 17 अप्रैल को है, तो 16 अप्रैल को प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम होगा मूर्तियों का। इसके लिए मैं आप सभी को सादर आमंत्रित करता हूँ, इसे मेरा पर्सनल इन्विटेशन की तरह स्वीकार कीजिए। एक वृद्धाश्रम बनाया जा रहा है आप सबके सहयोग से, जिसमें लगभग 300 बुजुर्गों के रहने की व्यवस्था होगी। साधकों के लिए कुछ कमरे भी होंगे। मेडिटेशन का एक हॉल है जिसमें लगभग 800 लोगों की कैपेसिटी का मेडिटेशन हॉल है। 2.2 एकड़ लैंड पर यह बनाया जा रहा है। आप सभी इसमें खूब सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका हृदयपूर्वक धन्यवाद भी करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि जरूर इस प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम में अपने प्रेजेंस के द्वारा स्थान को पर अपनी ब्लेसिंग देने के लिए, प्रभु की कृपा को पाने के लिए और अपना आशीर्वाद उस स्थान पर बनाने के लिए जरूर देने के लिए आएँ। मैं सभी से निवेदन करता हूँ, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है हम सबको बुजुर्गों की सेवा करने की। इसका मंदिर ही अभी तैयार हुआ है, एक भव्य मंदिर जिसमें हमारे श्री परमहंस गुरुदेव जी, साथ ही साथ भगवान श्री रामचंद्र जी राम दरबार और भगवान श्री राधा कृष्ण जी, भोलेनाथ भगवान शिवलिंग और माँ दुर्गा जी, खाटू श्याम जी, अर्धनारीश्वर भगवान शिव और साथ ही साथ हनुमान जी की पावन प्रतिमाएं वहाँ पर स्थापित की जा रही हैं। इसकी प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम 15 अप्रैल से शुरू होगा, 16 अप्रैल तक चलेगा। आप 16 अप्रैल को हम लोग लगभग 10 बजे नगर भ्रमण के लिए श्री मूर्तियों को लेकर जाएंगे। 3-4 घंटे नगर भ्रमण होगा, उसके बाद हम वापस वहीं होंगे। आप उस स्थान पर हमें आकर मिल सकते हैं। आप आना चाहें तो 16 को भी आ सकते हैं और 17 को तो मेन प्रोग्राम है इसी। सुबह 7 बजे से हम वहाँ पर उपलब्ध होंगे। आप आकर मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, मूर्तियों को माथा टेक सकते हैं, साथ ही साथ भगवान के चरणों में आप अगर किसी भी रूप में कुछ भेंट करना चाहें तो आपकी मर्जी है। प्रसाद उपलब्ध होगा, सुबह से नाश्ता पानी चाय इत्यादि का प्रबंध वहाँ पर किया जा रहा है। लगभग 10:30 बजे चीफ गेस्ट वहाँ पर आएंगे और उसके बाद सबको ऑनर दिया जाएगा, सबको सम्मान दिया जाएगा, फिर आप प्रसाद ग्रहण करके जाना चाहें तो जा सकते हैं। प्रोग्राम लगभग 1 बजे तक रहेगा 17 अप्रैल को। आप जरूर आकर अपनी प्रेजेंस के द्वारा उस स्थान की शोभा बढ़ाएं और भगवान के पावन दर्शन करें, सहयोग करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी ने जो अब तक कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत हृदयपूर्वक आभार। थैंक यू वेरी मच। अभी भी आपके प्रेजेंस की ऐसी ही अपेक्षा है। थैंक यू, प्लीज़ आइएगा, पर्सनल इन्विटेशन स्वीकार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।